तीसरा है विकर्म विनाशक अवस्था। वी से, मैंने कहा था मैं जितना आज आपको बता रहा हूं वो वी से शुरू होने वाला बता रहा हूं, विकर्म विनाशक अवस्था। उसके लिए बाबा ने क्या कहा है, एक तो तपस्या करो, विकर्म विनाशक अवस्था को प्राप्त करो। जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है आत्मा पर चढ़ा हुआ, बच्चे इसके लिए ओना होना चाहिए, फुरना होना चाहिए। तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्वी कुमार बनो। तो ये तपस्या के लिए विशेष मुद्रियां हैं बाबा की बहुत सारी, तपस्या वर्ष भी इसीलिए मनाया। और दूसरा इसके लिए बाबा ने कहा साधन नहीं साधना, ज्यादा साधन इकट्ठे करने की कोशिश मत करो, साधना करो, साधना के ऊपर ध्यान दो। सिद्धि जो होगी वो साधनों से नहीं होगी, साधना से हो। तो ज्यादा अटेंशन साधना पर दो। तीसरा इस अवस्था के लिए बाबा ने कहा लगाव नहीं हो, झुकाव नहीं हो। ये देखो अपने को चेक करो, आपके साथ रहते हैं बहुत से व्यक्ति काफी टाइम से, रहते रहते इकट्ठे, आपके मन में कोई और दूषित विचार नहीं है, लेकिन फिर भी लगाव हो गया, झुकाव हो गया। आप कहेंगे हमारे कोई बुरे तो मन में संकल्प है नहीं, लेकिन लगाव और झुकाव योगी के लिए, फरिश्ता बनने के लिए, विकर्म विनाशक अवस्था के लिए ये जंजीरें हैं, ये उड़ने नहीं देगी, ये बाधा है। तो किसी से लगाव ना हो, झुकाव ना हो, तब विकर्म विनाशक अवस्था बनेगी। दूसरा, मैं पावर हाउस हूं, 10,000 वोल्ट का पावर हाउस एकदम, उसके ऊपर हड्डियां बनी हुई होती हैं और दो लिखा हुआ होता है डेंजर। इस पर हाथ कोई लगाता है वो दूर से ही कहता है कि कहीं मैंने इसको हाथ लगाया और उड़ जाऊंगा। पावर तो वो लिखे उससे ही लगता है कि भाई ये तो बहुत वोल्टेज है, बहुत इसका पावर है। तो मैं पावर हाउस हूं, इसमें रहो कि मैंने लोगों को लाइट माइट देनी है। सिर्फ मैं लाइट हाउस और माइट हाउस हूं नहीं, बल्कि पावर हाउस हूं, दूसरों को भी देनी है। ये जो मेरे नेत्रों में देखें, जो मेरी वाणी सुने, जो मेरे साथ अपना स्विच लगाएं, तार लगा दें, प्लग कर दें, उनको वो करंट मिलना शुरू हो जाए। कान लगाएं मेरी वाणी के साथ, दृष्टि लगाएं मेरी दृष्टि के साथ, मिलके बैठे मेरे नजदीक बैठे, उनको वो करंट मिलना शुरू हो जाए पावर हाउस से। तो ये समझो कि मैं पावर हाउस हूं, मेरा वो काम होते रहना चाहिए। और एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। सत्यता की शक्ति, बाबा ने कहा ये सत्यता की शक्ति, जो सत्य स्वरूप शिव बाबा हैं, उस एक बाप के साथ, सच्चे के साथ सच्चा, ये सत्यता की शक्ति। तो एक बाप दूसरा न कोई, इससे हमारी विकर्म विनाशक अवस्था होगी। जब तक हमारी लाइफ इस पर नहीं टिकी है तब तक वो विकर्म विनाशक अवस्था नहीं होगी। हल्के सल्के योग जरूर होगा, लेकिन वो पावरफुल स्टेज जिससे विकर्म दग्ध हो वो नहीं होगी। और बाबा कहते हैं अव्यभिचारी आत्मा, अव्यभिचारी आत्मा, देहधारियों की नहीं, एक की, उस एक बाप की याद। तो ये जब हमारे कंडीशंस फुलफिल होंगे, बाबा की बताई हुई ये बातें जब हम अपने जीवन में लाएंगे, तब हमारी विकर्म विनाशक अवस्था होगी। और बाबा कहते हैं पतिव्रता, एक मुरली इस बात पर थी, पतिव्रता, मैं पतिव्रता नारी हूं। तो और पतिव्रता नारी के क्या लक्षण होते हैं, एक सिवाय भारत की जो पतिव्रता नारी है, सिवाय पति के दूसरे किसी को याद नहीं करती। जिस ब्राह्मण ने शादी कराई उसकी भी नहीं, जिससे शादी कराई, जिससे सगाई कराई उसकी, उसके बिना दूसरा अगर उसके मन में कोई संकल्प में भी आता है तो उसका पतिव्रत जो है वो नष्ट हो गया। कोई छू गया, स्पर्श कर गया, जैसे बाबा कहते हैं ना भाई, एक बाबा की वाणी में था कि एक कुमारी पानी भर रही थी एक कुएं पर गांव में, और काफी बड़ा मटका था जो उठाना था उसको सिर पर। तो एक व्यक्ति आया और कहता है कि मैं उठवा दूं, ये मदद कर दूं आपको, उठवा दूं। तो उसने कहा भले उठवा दो, लेकिन अंग अंग से स्पर्श ना करे। इस बात का ख्याल रखना कि अंग अंग से स्पर्श ना करे। तो हमारे मन की शुद्धि, पवित्रता कितने तक हो कि किसी और देहधारी का याद हमें स्पर्श न करे, उसके प्रति हमारा झुकाव लगाव ना हो, यह है विकर्म विनाशक अवस्था, एक बाप दूसरा न कोई। इससे हमारी विकर्म विनाशक अवस्था बनेगी। चौथा है विलीन अवस्था, जिसको बाबा लव लीन अवस्था भी कहते हैं। जो अगर हमें, इस पर बाबा की बहुत सारी मुरलियां हैं। लव लीन, लोग समझते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, बच्चे ऐसा नहीं, आत्मा तो अनादि अविनाशी है और शिव बाबा तो बिंदु है, उसमें लीन कहां से होगी, दोनों अनादि अविनाशी हैं। लव में लीन होती है, उन्होंने समझ लिया कि आत्मा ही लीन हो जाती है। ऐसे बाबा ने कई मुरलियों में स्पष्ट किया। तो वो लवलीन जब बनोगे तब वो स्टेज आपकी आएगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा है लवलीन बनो, बच्चे लवलीन बनो, जिसको मैंने कहा है विलीन भाव हो। विलीन भाव, मग्न अवस्था भी बाबा इसको कहते हैं, लगन में मगन। तो ये मग्न अवस्था या विलीन भाव कैसे आएगी, इसके लिए बाबा ने क्या कहा है? एक तो बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बनो। विलीन तब होगे जब बेफिक्र बादशाह बनोगे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। बाबा है, सर्वशक्तिमान है, उसकी छत्र छाया में हम हैं, हम उसके बच्चे हैं, फिर हमें क्या फिक्र है? वो करने वाला करेगा, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो ये बेफिक्र जब होगा, मन में सबसे वरीज जो हैं, वो कहते हैं इट इज नॉट द वर्क बट द वरी दैट किल्स ए मैन। मनुष्य को जो मारता है वो उसके वर्क नहीं मारता, काम नहीं मारता, जो उसकी वरी है, चिंता उसको मार डालती है। तो ये चिंता घुन की तरह से खा जाती है, चिता की तरह से, और मनुष्य का मन उधर जाता है जिधर उसकी या तो चिंता हो या चिंतन हो। दो चीजें हैं, चिंता या चिंतन। योग जो लगेगा वो चिंतन से लगेगा, और अगर चिंता होगी तो चिंता भी एक प्रकार का चिंतन ही है, तो फिर वो चिंतन नहीं होगा। वो जिसकी चिंता हो, कोई माँ सोचती है, अब वो लगाती तो योग है, आती है हमारे सेंटर्स पर, उसको कहा गया शिव बाबा को याद करो, लेकिन बेटा उसका स्कूल से लौटा नहीं, देर हो गई, आधा घंटा गुजर गया, घंटा गुजर गया, डेढ़ घंटा, 2 घंटे गुजर गए, बेटा लौटा नहीं। अब उसको चिंता लग गई, कहीं कार के नीचे तो नहीं आ गया होगा, बस के नीचे तो नहीं आ गया होगा, कहीं नदी के किनारे चला गया हो, तैरना शुरू कर देगा, कहीं डूब तो नहीं गया होगा। खाम खा के उसको संकल्प आते हैं और उसको चिंता लग गई, तो उस टाइम शिव बाबा उसको कहाँ से याद होगा? उसके सामने जो मन में चित्र होगा वो बेटे का होगा। कभी नदी में डूबता हुआ देखेगी, कभी बस के नीचे आता हुआ देखेगी, कभी सड़क क्रॉस कर रहा है वो उसको देखेगी कि वो बस आ गई है एक तरफ से और एक तरफ से सड़क पर वो आ रहा है, क्या क्या देखेगी, मस्ती मार रहा है। तो वो परम धाम भी याद नहीं आएगा, मैं ज्योति बिंदु हूँ वो भी सामने नहीं आएगा, शिव बाबा भी सामने नहीं आएगा, ये याद आएगा। तो ये है चिंता। और चिंतन क्या है? जिसको हम योग कहते हैं, प्रभु चिंतन, आत्म चिंतन, वो है मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, वो आएगी सामने, बाकी सब हटकर। तो चिंता को हटाएंगे तभी चिंतन होगा। इसलिए ये बेफिक्र बादशाह बनो, या जिसको बाबा कहते हैं बेगमपुर के बादशाह बनो, बेगमपुर के बादशाह। और मोहब्बत वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाबा कहते हैं। जब आप ज्यादा जफाकशी करने की जरूरत नहीं, काम करो, मेहनत करो, दिल लगाकर करो, कोई भी काम है उसको अच्छाई से करो, लेकिन कुछ जो आपकी शक्ति में है उसको करो, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। उससे प्रेम करो, उससे वो उसकी याद को भूलकर आप जितनी भी मेहनत करोगे, खून पसीना एक करोगे, उसमें से निकलेगा क्या? बहुत कम फल उसका निकलेगा। फल पूरा तभी निकलेगा, फलीभूत तभी होगा जब शिव बाबा की याद में रहोगे। इसलिए उससे बरकत मिलेगी, उससे उसकी मदद मिलेगी। शिव बाबा की शक्ति थोड़ी भी अगर आपको मिल गई तो आपकी कई गुना हो जाएगी। और अपनी ही शक्ति से करते रहोगे, उसको कितनी बढ़ा लोगे? जितनी आपकी क्षमता है उससे कितने गुना उसको कर लोगे? एक की डेवढ़ी कर लोगे, डेवढ़ी की डबल कर लोगे, और क्या करोगे? उस सर्वशक्तिमान की शक्ति अगर आपके साथ जुट गई तो वो तो 1000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स हो जाएगी। आप ये देख लो, दोनों में से जो समझदार आदमी हो, दोनों में से जो चुनना हो चुन लो। क्या चाहिए? उस सर्वशक्तिमान बाप की अगर मदद चाहिए तो उससे प्रेम करो, उसको याद करो, तो फिर आपको उसकी मदद मिलेगी, फिर कल्याण हुआ पड़ा है, काम हुआ पड़ा है। तो इसलिए ये जो है विलीन भाव तभी होगा जब इन चीजों का बेफिक्र बादशाह बनोगे, बेगमपुर के बादशाह बनोगे, और मोहब्बत जो शिव बाबा से है वो रहेगी, तब वो स्थिति होगी। और 5th है विरक्त भाव, बेहद का वैराग्य जिसको बाबा कहते हैं। विरक्त भाव, बेहद का वैराग्य। बाबा कहते हैं सन्यासी जो हैं उनका हद का वैराग्य होता है, लेकिन हमें जो यहाँ सिखाया जाता है वो बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। और वैराग्य करना ये कोई प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है कि वैराग्य का हम कोई अभ्यास करें, जैसे हम योग का अभ्यास करते हैं। ये वैराग्य तो हमारे मन का एक टेंडेंसी, जिसको कहना चाहिए, एक उसकी जो वृत्ति है, एक उसका जो स्वभाव है, उसका जो झुकाव है, ये होना चाहिए। जब तक वैराग्य ना हो तब तक योग नहीं लग सकता। योगी हम बन ही नहीं सकते जब तक वैराग्य ना हो। जब तक दुनिया से मन खट्टा ना हो, देहदारियों से मन खट्टा ना हो, हटे नहीं। इधर हटेगा नहीं तो उधर लगेगा कैसे? इधर से खिंचाव होता रहेगा। फरिश्ते हम बनेंगे कैसे? जब ये आकर्षण हमें बने रहेंगे, इनसे हमारा मन टूटेगा नहीं तो फिर कैसे होगा? वो पतंग उड़ेगी कैसे जब खूंटे से अगर बंधी रहेगी? तो नाव आगे बढ़ेगी कैसे जब वो नदी के किनारे तक बंधी रहेगी? वो मंजिल पर जाएगी कैसे? इसलिए बेहद का वैराग्य हो। और उसके लिए बाबा ने जो बताई हैं युक्तियां, एक तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत दफा कई दफा आदमी को आपने कहते हुए सुना होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ शब्द पर ऐसे जोर डालता है आदमी, मैं कह रहा हूं ना मुझे क्यों वो आप कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे मन से ठोक बजाकर ये लिख दे कुछ नहीं चाहिए। जब बाप मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इतनी बेहद की वैराग की वृत्ति जब तक नहीं होगी, उसमें नाम मान शान चाहिए या कुछ वैभव चाहिए या कोई पोजीशन चाहिए, कई किस्म की चीजें मनुष्य को चाहिए। इच्छाओं का तो अंत नहीं है। वो कहते हैं मैन हैज एज मेनी डिजायर्स एज देयर आर ग्रेन्स ऑफ सैंड्स ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी वो बीचेस हैं, सागर के किनारे पर जो रेत होती है, उसके जितने कण हैं मनुष्य की उतनी इच्छाएं, जन्म जन्मांतर इतनी इच्छाएं हमने मिनट मिनट की होंगी, अभी भी खत्म नहीं होती। हर मिनट की इच्छा का आप लगाओ तो कितना हो गया? बीचेस ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा कि नहीं? लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी डेजर्ट्स, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशंस, लिटिल लिटिल डिजायर्स मेक ऑल दिस क्वैगमायर। ये दलदल बनाती है सब, जिसमें आदमी डूब जाता है। तो ये जब तक इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल पक्के मन से। ऐसा नहीं है आज तो कुछ नहीं चाहिए, कल फिर हमें कुछ चाहिए, क्योंकि हमारा बर्थडे है, बर्थडे केक काटा जाना चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, हमारी जुबली होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। कुछ भी जो होता है सो ठीक है, उसमें हम शामिल होते हैं, लेकिन मन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब अंदर से हमारी जो वृत्ति हो भरपूर, हमको जो चाहिए था वो हमको मिल चुका, ये जब तक हमारी वृत्ति नहीं है, हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, बाबा कहते हैं मेरे तेरे की बात नहीं, ये मेरा तेरा छोड़ो। जब मैं ही उसका हो गया तो सब कुछ उसका हो गया, फिर मेरा फिर कहां से आया? तो मेरा शब्द अगर कहीं लगाते हो तो मेरा बाबा, वहां मेरा शब्द लगना चाहिए, बाकी तो सब तेरा। तो जिसको बाबा कहते हैं सर्वांश त्यागी, कोई अंश भी ना रहा हुआ हो, क्योंकि अंश से वंश की उत्पत्ति होती है। अगर इच्छाओं का कोई एक आयटा, एक आइटम भी रहा हुआ होगा तो वो पनप जाएगी। कोई आपकी इच्छा है, मिसाल के तौर पर हमारा एक बहुत बड़ा भवन हो, इच्छा एक है, हमारा एक बहुत बड़ा भवन हो। वो कहते हैं ना, एक बंगला बने न्यारा रहे जिसमें कुंभा सारा। तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा मेरा भवन हो। भवन तो अच्छा चाहिए। अब आप देखने में तो यही है कि एक ही इच्छा है भवन बनने की, लेकिन भवन बनने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए आपको पैसा भी तो चाहिए। फिर भवन बनने के लिए भवन को कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई और सब साधन, उसमें आप सोचते चले जाओ क्या क्या नहीं चाहिए, उसकी मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। एक आदमी ने कहा दूध चाहिए, उसको लोगों ने कहा कहता खालस दूध चाहिए, तो उसको सुझाव दिया गया कि तुम गाय रख लो। बाघ कहावत बताते हैं आमतौर से, गाय रख ली, फिर गाय को रोज चारा कौन खिलाएगा, गोबर कौन संभालेगा, उसको पानी वानी कौन देगा, घुमा के कौन लाएगा? तो फिर भाई कोई माता रख लो, माता रख ली है जी, वो बताते हैं ना। फिर आखिर उससे शादी कर ली, उसने बेटे पैदा हो गए, गाय को दूध पीने चला था, इच्छा उसकी यही थी। और सारा निवृत्ति मार्ग का साधु गीता वाचक गीता की कथा सुनाता था। गीता की कथा सुनाते सुनाते दूध की इच्छा हुई कि दूध तो खालिश मिलना चाहिए। दूध से गाय ली, गाय से अस्तबल बनाया जहाँ गाय को बांधा जाए, उसका बाड़ा बनाया, फिर उसको चारा खिलाने वाला वगैरह वगैरह करते करते जो गृहस्थी की प्रवृत्ति होती है उससे भी ज्यादा उसने प्रवृत्ति रच ली, क्योंकि गाय की बछड़ी हुई, बछड़ी की फिर बछड़ी हुई, फिर बछड़ी की फिर बछड़ी हुई, तो वो गाय क्या बना, वो तो सारा वो बन गया। दूध में चाहे आप नहाते रहो, लेकिन वो गीता तो वहीं की वहीं रही। काम करो लोभ नरक के द्वार हैं, वो तो वहीं रह गए। तो इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब तक ये नहीं है तो तब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। सर्वांश त्यागी, अंश मात्र भी न रहे। सिक्स्थ, बाबा ने कहा है कि विधि विधान, जो कार्य करो विधि पूर्वक करो, विधि से सिद्धि होती है। अगर विधि से नहीं करोगे, युक्ति से मुक्ति होती है, विधि से सिद्धि होती है। बाबा के कई फार्मूलास हैं, युक्ति से मुक्ति होती है। ये पहले भी हम सुनते थे, लेकिन वो युक्ति कौन सी है जिससे मुक्ति होती है ये किसी ने नहीं बताया। युक्ति से मुक्ति होती है। विधि से सिद्धि होती है। वो विधि कौन सी है और सिद्धि कौन सी है, क्या सिद्धि किस विधि से होती है, ये मालूम नहीं था। फार्मूला जरूर है, एक नीति वचन जरूर है एज ए पॉलिसी कि भाई एक वाइज सेइंग जिसको प्रोवर्बियल सेइंग कहा जाता है कि विधि से सिद्धि होती है। तो बाबा कहते हैं ये विधि विधान है। क्या कार्य, क्या विधि है? जो भी कार्य करो पहले बाबा की याद में रहो, उसको बाबा के प्रति समर्पण करो, अपने को ट्रस्टी और निमित्त समझ के बाबा ये आपने आज्ञा दी है, मैं निमित्त हूँ, मैं उसको करूँगा, लेकिन कराने वाले आप हो। जब वो कार्य हो जाता है, सफलता उसमें होती है, फिर वो बाबा के प्रति जैसे मालिक के प्रति फूल ले आता है, पेश करता है, ये आपने उस मालिक के कहने से जो किया है, उसके बगीचे का फूल है, ये उसके सामने पेश करो, ये उस पर चढ़ाओ, ये विधि है। अगर इसमें अमानत में कोई भी खयानत आपने की, इस विधि को अगर तोड़ा तो सिद्धि नहीं होगी। देखने में बहुत बाहर से भपका लगेगा कि आपने ये किया वो किया, अंदर से खोखला होगा, उसमें अंदर में आप भरपूर नहीं होंगे, वो जो अतीन्द्रिय सुख हो, वो जो खुशी हो, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने दिखावा किया, अंदर से ये समझा ये मैंने किया है, ये योग्यता मेरे में थी और कोई इसको नहीं कर सका, इसको करने वाला मैं हूँ। अगर आपने ये सोचा, हेंकड़ी ऐसी अंदर आई, तो फिर वो आनंद नहीं आ सकता। तो दूध में जैसे मेंगनी डाल दे बकरी, वो दूध वैसे किस काम का रहा, पीने जैसा तो नहीं रहा, चाहे है वो दूध, ये तो दूध में मेंगनी डाल दी। तो ये जो सारा विधि से कार्य करो, ये बाबा ने कहा हुआ है। पवित्रता, बाबा कहते थे, पहले हम लिखते थे जो त्रिमूर्ति का चित्र है, ब्रह्मा के नीचे ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का विनाश, विष्णु द्वारा सतयुगी त्रेतायुगी सृष्टि की पालना। तो ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, लेकिन ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना किससे? पवित्रता के बल से, योग के बल से, ज्ञान के बल से। ये तो दुनिया भी जानती है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ब्रह्मा ने नई सृष्टि रची है तो उनको भी पता है, भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज नहीं उनको मालूम कि ब्रह्मा ने पवित्रता से, ज्ञान से, योग से सतयुगी सृष्टि रची। इन तीन शब्दों से इतना फर्क पड़ जाता है। वो समझते हैं कि उसने पहाड़, नदियां, जमीन, सूरज, चांद बनाए, सृष्टि रची, इसका ये अर्थ लेते हैं वो कि ब्रह्मा ने ये सारा जो मांडवा है, थिएटर जैसे बनाया जाता है जिसमें लाइट की भी फिटिंग हो, साउंड की भी फिटिंग हो और बैठने की भी, ये सब ब्रह्मा ने बनाया, हाथी घोड़े सब ये ब्रह्मा ने बनाया। तो आप कोई भी पुराण उठा के देख लें, उसमें ये सारा वर्णन किया हुआ है। कोई कहेगा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की, शिव ने अपनी जटाओं से भस्म निकाली और उस भस्म को लेकर ब्रह्मा जी ने ये हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, पहाड़, नदियां, पृथ्वी, उस राख से ये सब बना डाले। जैसे वो जादूगर होता है ना, गमले पर वो कपड़ा डालता है, कहता है डंडा घुमा के आप देखना क्या जादू होता है, डंडा उठाता है तो नीचे से आम का वो निकला हुआ होता है, तो वो दिखाता है देखो मेरी जादूगरी देखो। तो वो भी ऐसे ही कहते हैं, इस तरीके से उसने सृष्टि रची। लेकिन बाबा ने हमें क्या समझाया है कि ज्ञान बल से, योग बल से, पवित्रता के बल से सृष्टि रची। अगर हमारे कार्य करने में ज्ञान, योग, पवित्रता नहीं है तो वो काम सतयुगी सृष्टि के रचने के काम नहीं आ सकता। वो आपको मान शान दे जाएगा, लेकिन उसकी सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कुछ काम पूरा हो, ये नहीं होगा। आपने कोई भी चीज बना ली, कोई भी कार्य कर लिया, कॉन्फ्रेंस कर ली, मीटिंग कर ली, मेला कर लिया, लेकिन अगर उसमें ज्ञान नहीं है, आपकी बुद्धि में योग युक्त होकर कार्य नहीं किया, पवित्रता पूर्वक कार्य नहीं किया, आपस में घमसान करके, लून पानी बन के और कुछ एक दूसरे से मन मुटाव करके काम किया, उससे सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य नहीं होगा।